और यीशु ने सूबेदार से कहा, यीशु ने सूबेदार से कहा, जा जा, जैसा तेरा विश्वास है जैसा, आज वही चीज प्रभु आपसे कह रहा है, क्या चीज के लिए आप विश्वास कर रहे हैं? अगर आप जॉब के लिए विश्वास करा, जॉब मैं रिलीज करता हूं आपके लिए, आमेन। अगर आप चंगाई के लिए विश्वास करा, चंगाई हो रहा है, आमेन। आज आपके शरीर में कैंसर है और बोल रहा नहीं, ये रिपोर्ट दिया आप मर जाएगा, नहीं नहीं मरेगा, वो मौत को मैं खारिज कर देता हूं, मौत को खारिज कर देता हूं, आमेन। आज जॉब तेरे लिए रिलीज हो रहा है, आमेन। क्या चाहिए तुझे? प्रभु बोल रहा है, आज आपसे बात कर रहा है, मेरे मुंह से जैसे रीमा वचन निकल रहा है, डैडी बोल रहा है आपसे। यीशु ने सुबेदार से कहा, जैसा तेरा विश्वास है। प्रभु बोला, मैं ये कौन खड़ा था सुबेदार के सामने? कौन खड़ा था? यीशु। हाँ, कौन है यीशु? स्वामी। अरे भाई, सब कुछ उसके द्वारा निकला है, इज द लॉर्ड ऑफ ऑल, यानी सबका, इज द प्रभु, वो प्रभु है। सब कुछ उसके अंदर से निकला, सब कुछ उसी के द्वारा, उसी के लिए, कुलिश एक में लिखा है, सब कुछ उसी के द्वारा, उसी के लिए उत्पन्न हुआ। वो खड़ा है, वो डैडी खड़ा है, वो क्या बोल रहा है? जैसा तेरा विश्वास है, मैं करेगा ही नहीं बोला, मैं कर रहा हूं, मैं नहीं, पूरे जैसा तेरा विश्वास है, जैसा तेरा विश्वास है, जैसा तेरा विश्वास है। ओह माय गॉडनेस, क्या चीज के लिए तू विश्वास कर रहा है? मुझे जॉब चाहिए, गवर्नमेंट मिल गया, अरे ले सेट, आमेन। पूरा सिर में, पास्टर आपको नहीं मालूम है, यू नो 15 साल से मेरा दर्द चल रहा, आज निकल गया, खारिज कर देता उसको। वाह, हालेलुया। क्या विश्वास कर रहा है? 15 साल और जिएगा वो दर्द के साथ? नहीं, वो दर्द को मैं खारिज कर देता हूँ। बोला, पास्टर आपको मालूम नहीं है, किसी के लिए भविष्यवाणी है, डायरेक्ट भविष्यवाणी है, 5 साल तेरे शरीर में डायबिटीज है और तू उसको लेके घूम रहा है और बोल रहा है डायबिटीज निकलेगा नहीं, चलो इसके साथ रहता, नहीं उसके साथ रहने के लिए प्रभु तुझे बुलाया, नहीं उसको नीचे डाल कर तेरे पांव तले, वो डायबिटीज के दुष्टात्म को पांव तले कर उसको फांदने के लिए तुझे बुलाया, आमेन। आज वो नीचे गिर रहा है, क्या तू विश्वास करेगा? जैसा तेरा विश्वास है, जैसा तेरा विश्वास है, सुबेदार को बोला, जैसा तेरा विश्वास है, जैसा तेरा विश्वास है, oh my goodness, I'm loving it, oh, जैसा तेरा विश्वास है, जैसा तेरा विश्वास है, amen। तो बैंक में क्या विश्वास कर रहा भाई? ओ नहीं, मेरा बैंक का अकाउंट हमेशा खाली रहे, नहीं, जैसा तेरा विश्वास है, अब विश्वास कर रहा है, नहीं मेरे बैंक अकाउंट मर जाएगा, अचानक पैसा आने लगेगा, कहां से आएगा मुझे पता नहीं चलेगा, लेकिन आएगा। कोई, मैं किसी की गवाही को सुन रहा था, प्लेन में जा रहा है, यू नो, हमेशा वो अपने आप को बोलता था, मैं करोड़पति है। अरे अपने आप को बोलते रहो, मैं करोड़पति है, मैं करोड़पति है भाई, बोलो अपने आप को, करोड़पति है, मैं करोड़पति, अपने दिल में बोलते रहो, चिल्ला के बोलो मत, दिल के अंदर अपने आप को पहले कन्विंस कर भाई। नो, कभी कभी हम लोग कन्फेस जल्दी कर देते हैं, मैं चंगा हो गया, यू नो, हम लोग बोल देते हैं, आईसीयू में पड़ा उसके कान में बोल, हम लोग कभी कभी गड़बड़ी कर देते हैं, मतलब बोल लो उसके कोड़े खाने से हम चंगा हो गया, वही बोल के चला जाता है। हमने समझा नहीं भाई, हमने ये चीज को समझा नहीं, यू नो, कन्फेशन इज फेथ एट अ वेरी लो लेवल, और जो अंगीकार करना है विश्वास की, बहुत ही निचले स्तर की स्तर है, कन्फेशन इज फेथ एट अ वेरी लो लेवल, और जो अंगीकार करना है विश्वास का निचला स्तर है। कई लोग जो है अंगीकार करते करते मैं चंगा हो गया, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, उसका कोड़ा खाने से मैं चंगा हो गया, भाई बोल के मर जाता है, क्यों मालूम है? उसका कारण है भाई, उसके मुंह से खाली निकला वो, उसका मन जो है वो अपने आप को ही कन्विंस नहीं किया, he did not convince even himself, वो अपने आप को उसने मनाया नहीं, राजी नहीं कराया। See, the most difficult person to convince is not your neighbor, it's you yourself, और देखिए सबसे जो कठिन बात है, जो आपको, जिससे आपको, जिसके साथ सहमत होना है या आपको राजी कराना है, वो आपका पड़ोसी नहीं, आप खुद हैं। अरे भाई, आप जाके बोलते हैं शैतान रोक रहा है, शैतान नहीं रहे, तू खुद रोक रहा है, no, the devil is stopping me, no, the devil is not, you yourself are your greatest enemy, आप कह रहे हैं शैतान मुझे रोक रहा है, नहीं नहीं, आप खुद आप रोक रहे हैं, आप अपने आप के खुद के बहुत बड़े शत्रु है। That is why you should, when you start confessing, don't confess it outside, confess it inside, then raat bolte raho, then raat bolte raho, इसलिए आप बाहर उसे अंगीकार मत कीजिए, लेकिन अंदर में उसे आप दिन रात बोलिए, नीचे गिरेगा वो, कैंसर नीचे गिरेगा, उसके बाद आप देखेगा अचानक पवित्र आत्मा तेरे ऊपर उतर गया, क्योंकि तू तेरे कण कण उस चीज जो तू बोल रहा अंदर ही में बोल रहा है तू विश्वास कर लिया, कन्विंस हो गया भाई। बोलता भाई ले जाके बार मैं करोड़पति, तू जिगला है, करो बाहर जाके क्या बोल रहा भाई, तू अपने आप को पहले बोल,
अपने आप को तो बोल, अपने आप को तो बोल, अपने आप को कन्विंस कर। दिन रात उठते बैठते समय है, अगर सपना देख रहा यार तेरा कोई बैंक से पैसा ले गए, बोला नहीं। अरे यीशु का वारिश, सगा वारिश, परमेश्वर का सगा वारिश, और तू जिंगला है। क्यों? क्योंकि तूने अपने आप को कन्विंस नहीं किया। तूने केवल समझा, तूने केवल समझा, तूने केवल समझा, तूने केवल समझा, तूने समझा केवल एक किताब है, तू किताब की तरह पढ़ा नहीं, नहीं ये तेरे जीवन है मेरे भाई, इसमें वसीयत है। जब आप पढ़ेगा भाई ए तू अंदर से हिल जाएगा। आज मैं सवेरे पढ़ रहा था, अचानक स्वर्ग तो मेरे सामने खड़ा हो गया, मैं रो रहा था। किताब नहीं है भाई, वसीयत है, वसीयत है। अपने आप को कन्विंस कर ले, अपने आप को बोलते रहो, अपने अंदर बोलते रहो, मैं बढ़ने वाला है, मैं बढ़ने वाला है, मैं बढ़ने वाला है, मेरे बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपया आ रहा है, मैं अमीर हूँ। अपने आप में बोल, अपने आप में बोल, पहले अपने आप को कन्विंस कर, उसके बाद जब तू वचन को रिलीज कर रहा भाई, ऐसे होगा कि जैसे थैंक यू होली स्पिरिट। कितने लोग सुनना चाहते हैं? दाऊद के पास 5 पत्थर था, कहीं फेंका नहीं भाई। जब वो अमीन तैयार हो गया, तैयार होके जब गुलाइन से लेकर मारा, उसका पूरा शरीर जो जाइंड और गुंडा पाली का पूरा शरीर जो था, कैसा था भाई? ढका हुआ था, कहीं नहीं लगा, जहां लगने का वहां लगेगा। जब तू अपने आप को कन्विंस करके, अगर वचन को तेरे मुंह से निकलेगा जा जाने का वो जाएगा, ऐसा होगा मेरा वचन जो मेरे मुंह से निकलता वो मेरे पास खाली वापस नहीं आएगा, वो अपने कार्य को करके ही वापस आएगा। फिर मन जॉब चाहिए, चर्चा आएगा तेरे पीछे। अपने आप को तूने कन्विंस किया? पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं तो तेरे को क्या कर, तू मिलेगा नहीं, क्योंकि तुझे खुद ही पता नहीं है भाई, खुद ही पता नहीं तेरे को। काम करता 15 दिन, पता नहीं सैलरी मिलेगा कि नहीं, 15 दिन में घर पे बैठ जाता, तू 15 दिन ही किया रे भाई। सी यू नॉट कन्विंस योरसेल्फ, कन्विंस योरसेल्फ, अंदर में बोलते रहो, दिन रात देखते रहो। मैं आपको बोल रहा हूँ, अपने आप को कन्विंस कर, अपने आप को कन्विंस कर, दिन रात देखते रहो। कल रात यू नो चीज, जब 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 तेरे मन में नेगेटिव चीज आ रहा है तो उसी को देख रहा है। बात सही है, सही बात, मैं कैसे बैठ सकता, मैं कैसे आगे बैठ सकता। शैतान ने बोला, हाँ देख ना तेरा बाप तो ऐसे ही है, गुंडा पाली एक नंबर का, तू कैसे आगे। नहीं, जो विचार तुझे दे रहा नहीं, तेरे मन में है, तेरे दिल के द्वार है, मन तेरा, मन जो है दिल का द्वार है, मन जो है तेरा दिल का द्वार है, मन जो है दिल का द्वार है। जब तू मुंह से केवल बोल रहा है, तेरा मन ही खुला नहीं, दिल तो दूर की बात है भाई। यीशु ने सुबेदार को क्या कहा? जैसा तेरा विश्वास है, जैसा तेरा विश्वास है, लव इट, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। देखो यीशु वहां पर खड़ा होकर क्या क्या बोल सकता था, आपने सोचा कभी? अरे मैं मालिक है भाई, मैं देता हूं, उसके बारे कुछ नहीं। द ग्रेट आई एम इज स्टैंडिंग आउट देयर, द ग्रेट आई एम इज स्टैंडिंग आउट देयर, द ग्रेट आई एम इज स्टैंडिंग आउट देयर, महान मैं जो हूं सो हूं, वो उसके बाजू में खड़ा था। हालेलुया। बट Jesus didn't say the great I am doing it. No, he said, what did you believe? Wow. Amen. जो महान उसके बाजू में खड़ा था वो कह रहा था कि मैं नहीं, उसने उससे कहा, पूछा कि तू क्या विश्वास करता है? जैसा तेरा विश्वास है, जैसा तेरा विश्वास है, आज वही चीज प्रभु सभी को बता रहा है, जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे साथ होगा। जैसे तेरे विश्वास है वैसा ही, वैसा ही, वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया, उसका सेवक, you know, come back, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो, वैसे ही तेरे लिए हो। you know, वो शब्द है, भयानक शब्द है, मैंने ढूंढ के निकाला, वैसा ही जो शब्द है, इट्स कॉल्ड गेनोमाय, ये भयानक शब्द है। गेनोमाय जहां पर आता है ना उसको पकड़ ले भाई, ये भयानक शब्द है। गेनोमाय मतलब बन जाना, हो जाना, यानी जब तू जो विश्वास करता है वो तेरे लिए बन गया, हो गया, नहीं है तभी बन गया, हो गया। गेनोमाय वैसे ही तेरे लिए हो, वैसे ही तेरे लिए हो। गेनोमाय बन जाना, हो जाना, बन जाना, हो जाना, बन जाना, चीज नहीं है, बन जाएगा। तेरा पोजीशन का अगर यू नो पोस्ट खाली नहीं है, हो जाएगा वहां पर, बन जाएगा। बोला पास्टर जी, ये कभी मेरे जो जिस लाइन में मैं काम कर रहा हूं, ये कभी हो गया नहीं, कभी हो नहीं सकता है, ऐसा पोस्ट है नहीं, नहीं बन गया, हो गया, बन गया भाई।
जो है नहीं उसको बन जाना, उसको बता क्या नाम है। बोलेगा पास मेरे पास रिपोर्ट है और वो कैंसर है, कैंसर तो यू नो हमने सुना है क्या उसको रेडिएशन लेके बाल टकला करके उसके बाद ही चंगा होता है। नहीं, टकलाओ के चंगा होना नहीं पड़ेगा। अरे भाई यू ही चंगा हो जाएगा, एक पल में तू चंगा हो जाएगा अगर तू विश्वास करेगा। वो हो गया गेनोमाय बन गया, हो गया, यानी जितना कीटाणु तेरे अंदर है अचानक वो मर गया। आपको मालूम नहीं पास मेरे पांव जो है थोड़ा टेढ़ा है तो मुझे टेढ़ा यू नो कुंडी हिला हिला के चलना पड़ता है। अरे भाई तू नहीं जानता, अगर तू विश्वास कर रहा है कि तू सीधा चलेगा, वो पांव जो टेढ़ा है वो सीधा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, सीधा हो गया। बोला ऐसा कभी हुआ नहीं है, ये ऑपरेशन का द्वारा ही सीधा होता है। तो विश्वास करेगा वो टेढ़ा है सीधा हो गया, सीधा हो गया, सीधा हो गया। गेनोमाय भाई दैट्स it's so rich, the word is so rich, गेनोमाय। और जो गेनोमाय शब्द है वो बहुत ही प्रचुर और संपन्न है। Well, are you getting it? गेनोमाय प्रभु वहां पर खड़ा होकर बोला वैसे ही तेरे लिए हो, वैसे ही तेरे लिए हो, वही प्रभु वही आत्मा के द्वारा आज मेरे मुंह से हर व्यक्ति जो आज वचन सुन रहा है उसके लिए बोल रहा है। बोला पास्टर पता नहीं मेरा बच्चा, पता नहीं बोलने का ही नहीं, बोला मेरा बच्चा जो है बिगड़ गया। नहीं भाई, एक पल में वो तेरा है, सीधा हो जाएगा। अचानक पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर कर अलग व्यक्ति बना देगा, उसके अंदरूनी भाव रही सब बदल जाएगा। क्या नाम है? बन जाना, हो जाना। उसके बाद लास्ट में क्या लिख रहा है? वैसा ही तेरे लिए हो और उसका सेवक उसी सेवक कहीं दूर था उसी घड़ी चंगा हो गया। उसी घड़ी जो शब्द है एकाइनोस, वही एक, यानी जैसा प्रभु के मुंह से वचन निकला, वही पल में, वही क्षण में अचानक सोचो कई साल का, सोचो वो व्यक्ति जो है लकवा से मारा हुआ था, कई साल से शैतान उसके मन में जाके उसके मन में डरा कर उसके नस को टेढ़ा किया, डरा कर कई महीनों से कई सालों से होगा उसका बोरा यार तेरा एक दिन तेरा पांव टेढ़ा हो जाएगा, और वो डर कर जी रहा था। अचानक जो चीज शैतान ने तेरे उस व्यक्ति के मन में डाला कई दिनों से कई सालों से, अचानक वो टेढ़ा हो गया, लकवा मार गया, वो गिर गया, और जो है वो एकदम यू नो सताया जा रहा था। अब लकवा तो मार लिया, उसको नेक्स्ट स्टेप में लेके जा रहा था मौत के घाट के मुंह में उतार कर लेके जाना। अचानक तू जैसा विश्वास किया वैसे ही तेरे साथ हो गया, उसका मतलब जिस घड़ी तू विश्वास करेगा उस घड़ी, उसका मतलब तेरा मन का विचार कितना भयानक है। देखा सुने सोच रहा है तो देखो, इसलिए नकारात्मक विचार जब आएगा ना मुंह खोल के तुरंत बोलने के लिए सीखो, तो बोल रहा कि नहीं तू कंगाल रहेगा, नहीं कंगाल का बाप तुझे मैं बांध देता हूं, तो तेरा बाप कंगाल रहेगा। मैं प्रभु के साथ सगे वारिस है, मैं गरीब नहीं रह सकता। मुंह खोल के बोलना है, अपने आप को बोलते रहना है। रात को सपने आएगा नेगेटिव और तू उस सपने को लेकर रोना नहीं, उसके अपने आप को बोलकर 24 घंटा बोल कर चिल्ला के बोलना है। अचानक देखे तेरे ऊपर अभिषेक उतर गया, वो अभिषेक क्या करेगा जिस दिन तेरे मुंह से वो वचन निकलेगा, वो कहाँ जाएगा? ऐसा होगा मेरा वचन जो मेरे मुंह से निकलता है वो खाली मेरे पास वापस नहीं आएगा, वह अपने कार्य को कर ही वापस आएगा। एकाइनोस उसी घरे चंगा हो गया, वो उसी घरे चंगा हो गया, जैसा वो विश्वास किया वैसे ही तेरे लिए हो, और उसके सेवक उसी घड़ी एकाइनोस वही एक हो गया। यानी जो विश्वास किया उसके साथ उसका सेवक कहीं दूर था इस कन्वर्सेशन में, यीशु के कन्वर्सेशन में वो नहीं था, लेकिन जो विश्वास किया उस विश्वास से वो एक हो गया। यानी तेरा विश्वास जोड़ सकता है। बाइबल बोलता है, आपको याद है बाइबल बोलता है अगर तू विश्वास करेगा तेरा घराना क्या पाएगा, क्या पाएगा धार पाएगा। तू विश्वास करेगा तेरा घराना उद्धार पाएगा। यानी जिस घड़ी तू विश्वास कर रहा है नकारात्मक विचार ने लेके आ रहा है, तू विश्वास कर रहा है और विश्वास कर रहा है मन में वही देख रहा है और अंदरूनी भाग में यही चीज को बोल रहा है, मैं विश्वास कर रहा हूं मेरा घराना उद्धार पाएगा, मेरे घराना उद्धार पाएगा, और वही चीज को आप देख रहे हैं, वही चीज को आप बोल रहे हैं अंदरूनी भाग में, बोल रहे हैं। आपका पति एक नंबर का गुंडप्पा लिए फिर खाने में मस्त, मारा बोल रहा कभी बदलेगा नहीं। जैसे तूने विश्वास किया बाइबल बोल रहा है
उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। उसी घड़ी भाई तू जो विश्वास कर रहा ना वो फुकड़िया विश्वास नहीं, याद रखना इस चीज को। तो फुकड़िया विश्वास नहीं कर, विश्वास फुकड़ का चीज नहीं है। संसार यू नो पॉजिटिव नेगेटिव पे चलते हैं, हम पॉजिटिव नेगेटिव पे नहीं, हम विश्वास में चलते हैं। विश्वास से लोग विश्वास से सांस लेते हैं, विश्वास से जीते हैं, विश्वास से खाते हैं, विश्वास से जाते हैं, विश्वास से आते हैं। और वैसे ही तेरे साथ होगा, उसी घड़ी तेरे साथ वैसा होगा। उसी घड़ी मतलब जिस वक्त वो विश्वास किया, उसी घड़ी मतलब जब उसने अपने आप को कन्विंस कर लिया, अपने आप के अंदरूनी भाग से वो बोल रहा है। देखिए कई कई चीज आप मुंह से बोल सकते हैं, कई कई चीज आपका दिल बोल रहा है। आमीन। अब कहां से बोल रहे हैं? मुंह से बोल रहे हैं, दिल से बोल रहे हैं। मुंह से बोलेगा कुछ नहीं होगा, इसलिए पहले बाहर बोलो मत, अंदर ही को बोलते रहो, अंदर ही को वचन जैसे टैप करके रखो, बंद करके रखो। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, कितने लोग के घर में पानी आता है, बोले यार पानी नहीं आता तो फिर कैसे होगा, काम कैसे होगा। गौर से सुन मेरी बात को, अगर आपके घर के छत के ऊपर अगर टैंकी है, अगर वो टैंकी खाली है, आप टैप खोलेगा, टैप खोलेगा तो जितना भी खोलो भाई कुछ होने वाला नहीं। आप टैप को मारो, ये करो, हमर से मारो, ये करो वो करो, कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि टैंकी खाली है। सेम वही तेरा जब तू मुंह खोलता है, अगर तेरा दिल में वो नहीं है, अगर तू अपने आप को कन्विंस नहीं किया, तो तू जो भेज रहा है वो खाली चीज को भेज रहा है। वो अपने जो जिस मार्ग पे वो जाना है, वो वचन जा रहा नहीं, उसमें दम नहीं है, उसमें फ्यूल नहीं है, उसमें चीजें नहीं है। लेकिन जब तेरा अंदर भर गया आत्मा से भर गया, और बोलकर अपने दिन रात वही चीज को तू बोल रहा है, वही चीज को तू बोल रहा है, वही चीज को देख रहा है, अंदरूनी अंदरूनी भाग में तू देख रहा है, बोल रहा है, देख रहा है, बोल रहा है, देख रहा है, बोल रहा है, क्या होगा? जब तू वचन अचानक चिल्ला के पवित्र आत्मा के द्वारा बोलेगा, जैसे दाऊद ने पत्थर भेजा, एक ही पत्थर काफी था गोलियत को खत्म करने के लिए, तेरा एक ही बोली काफी है। वो जाकर जिस निशाने पे तू भेज रहा है वहां पर जाकर वह अपने कार्य को कर देगा और तू सफल हो जाएगा। आमीन।